आज मैं ऐसी 6 बुक्स के बारे में बात करने वाला हूँ जिसको पढ़ने से मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस हुए हैं। मैं जब अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था तब मुझे सडनली रियलाइज हुआ कि अगर लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव करना है तो सिर्फ ट्रेडिशनल एजुकेशन से कुछ नहीं होगा। ट्रेडिशनल पढ़ाई से सिर्फ हम अच्छी जॉब पा सकते हैं, बट अगर हमको हैप्पी लाइफ, टेंशन फ्री लाइफ और अपनी लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करना है, जैसे कि स्टीव जॉब्स ने एप्पल बना के किया, बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट बना के किया, इलॉन मस्क ने रॉकेट बना के किया, धीरूभाई अंबानी ने इंडिया में इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया, तो हमें पर्सनल डेवलपमेंट बुक्स, बायोग्राफीज, स्पिरिचुअल बुक्स और नॉन फिक्शन बुक्स पढ़ के अपने आप को हमेशा इम्प्रूव करना पड़ता है। लीडर्स आर रीडर्स एंड रीडर्स आर लीडर्स, मीन्स जो लीड करता है वो पढ़ता है और जो पढ़ता है वो लीड करता है। अगर आप हर ग्रेट आदमियों की एक कॉमन हैबिट फाइंड करोगे तो वो होगी रीडिंग। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी 6 बुक्स के बारे में जिसने मेरी लाइफ को सबसे ज़्यादा इम्प्रूव किया है। द सीक्रेट बाय रोंडा, ये बुक लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेस्ड है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि अगर आप किसी चीज़ को अपने पूरे दिल से चाहते हो तो आपको उस चीज़ से मिलाने के लिए पूरे यूनिवर्स की एनर्जी आपका साथ देती है। अगर आप किसी भी चीज़ को पूरी ताकत से पाने की इच्छा रखते हो और उसे पाने के लिए स्टेप्स लेते हो तो उसको पाने से आपको कोई रोक नहीं सकता। इस बुक में जो माइंडसेट की बात की गई है, अगर वो माइंडसेट आप अपनी लाइफ में अपना लोगे तो आप अपने लाइफ में कोई भी गोल अचीव कर सकते हो। इस बात को तो मैं 100% मानता हूँ कि हर सक्सेसफुल लोगों का माइंडसेट इस तरह का होता है। द सीक्रेट बुक पे एक हॉलीवुड मूवी भी बनाई गई है और ये बुक मैंने audible.com पे ऑडियो वर्जन में सुनी थी, इसीलिए उसकी फिजिकल कॉपी मेरे पास नहीं है। Audible इज द बेस्ट वे टू गेन नॉलेज फ्रॉम एनी बुक विदाउट रीडिंग। रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी। इस बुक को मैं दूसरा नाम दूँ तो वो है रिच लोगों का सीक्रेट। इस बुक में रॉबर्ट कियोसाकी ने बताया है कि अमीर लोगों के सोचने के तरीके और गरीब लोगों के सोचने के तरीके में क्या डिफरेंस है। पैसों के बारे में फिलोसॉफी, सोचने का नजरिया, यही वो चीज़ है जो अमीर लोगों को और ज़्यादा अमीर और गरीब लोगों को और ज़्यादा गरीब बनाती है। अगर आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियली फ्री और जल्दी रिटायर होना चाहते हो तो ये बुक आपको बहुत हेल्प करेगी। थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। जस्ट इमेजिन, अगर आपके बेस्ट फ्रेंड्स मुकेश अंबानी और बिल गेट्स होते तो आपको कितना अच्छा ज्ञान मिलता। 99.99% चांस है कि आप भी बिलियनियर होते, कम से कम आप मिलियनेयर तो बन ही जाते। ऐसा ही सेम ज्ञान है इस बुक में। नेपोलियन हिल ने अपनी लाइफ के 20 से ज़्यादा सालों तक 500 से ज़्यादा अमीर इंडस्ट्रियलिस्ट, सक्सेसफुल लोगों के साथ इंटरव्यूज लेके सब ज्ञान को इस बुक में निचोड़ दिया है। इस बुक को पढ़ने से आपको पता चलेगा कि कैसे कई सारे लोगों ने अपने ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट किया। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। कौन नहीं चाहता कि लोग उनको फॉलो करें, लोग उनको प्यार करें, लोग उनसे प्रभावित हो। इस बुक में डेल कार्नेगी ने बताया है कि ये सब कैसे करें। इस बुक को आज से 60 साल पहले लिखा गया था, बट इस बुक के प्रिंसिपल इतने रियलिस्टिक और पावरफुल है कि आज के मॉडर्न वर्ल्ड में भी एप्लीकेबल है। इस बुक के प्रिंसिपल को मैंने अप्लाई करके कई सारे अच्छे फ्रेंड्स बनाए हैं। कई बड़े बड़े रिस्पेक्टफुल लोगों से फ्रेंडशिप की है जिनकी वजह से आज मैं अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर पाया हूँ। स्लाइट एज बाय जेफ ऑल्सन। स्लाइट एज बुक हमको छोटे छोटे स्टेप्स की वैल्यू दिखाता है। स्लाइट एज मीन्स ऐसी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हर रोज करना जो मामूली लगती है। इसका रीज़न यह है कि छोटी छोटी अच्छी हैबिट्स आपको काफ़ी लंबे टाइम के बाद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स देती हैं। जैसे कि अगर आपको YouTube में 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स अचीव करने हैं तो हर रोज़ कंटिन्यूस आपको वीडियोस अपलोड करना पड़ता है। आपको कंटिन्यूस काम करना होगा तभी आपको सक्सेस मिलेगी। जब आप 1 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लोगे तो 2 मिलियन सब्सक्राइबर होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 2 से 3 में उससे भी कम टाइम लगता है, और 5 मिलियन हो जाने के बाद 10 मिलियन तो उससे भी कम टाइम में हो जाते हैं। सक्सेस एक स्नोबॉल की तरह है। जब बर्फ़ का एक छोटा सा टुकड़ा ऊंचाइयों से ग्रेविटी के कारण नीचे आने लगता है तब वो अपने साथ बर्फ इकट्ठा करते करते वो नीचे आते वक्त इतना बड़ा हो जाता है कि वो एक एवलांच ला सकता है। एटीट्यूड इज एवरीथिंग बाय जेफ केलर। इस बुक में उस टाइप के एटीट्यूड के बारे में बात नहीं की गई है जो आप किसी को वैल्यूलेस दिखाने के लिए यूज़ करते हो। फॉर एग्जांपल, मैंने स्टार्टिंग में जब यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया तब मैं हमेशा ऐसा सोचता था कि अभी राइट टाइम नहीं आया है, मेरे पास अच्छे
इंस्ट्रूमेंट्स नहीं हैं, मेरे में कुछ कमी है, वैसी नेगेटिव बातों को सोचता और कंप्लेन करता था। अगर आपको लाइफ में कुछ करना है तो अपने एटीट्यूड को बदलो, हमेशा पॉजिटिव सोचो, पॉसिबिलिटीज़ देखो, अपने आप को आई कांट कहना बंद करो, अपने आप को आई कैन कहना शुरू करो। किसी भी खराब से खराब परिस्थितियों में कुछ ना कुछ पॉजिटिव बातें तो होती ही है। अपने नज़रिए को पॉजिटिव रखो, पॉजिटिव एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग, इस बुक का यही कहना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, क्योंकि आपके लाइक करने से YouTube एल्गोरिदम के कारण ये वीडियो ज़्यादा लोगों को शो अप करती है और ये वीडियो अच्छे व्यूज़ ले पाती है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखेंगे उतनी उनकी हेल्प होगी और वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आने पे मेरा भी फायदा होगा। अगर आपके पास कोई सजेशन है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करो, और फ्यूचर में ऐसे ही मोर पर्सनल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करो। मैं नीलेश मकवाना मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आई एम साइनिंग ऑफ।